बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी के दो अलग अलग नेता दो अलग अलग व्यापारियों के संगठनों को लेकर अलग अलग समय पर एक ही समस्या को लेकर पहुंचे दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी के पास। कोरोना कोविड इस समय पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है और जिसके चलते भारत में लॉकडाउन चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री चल रहा है। देश को कोरोना कोविड 19 की जो परिणाम आ रहे हैं उसको देखते ऑरेंज, ग्रीन और रेड जोन में बांटा गया है। फिलहाल में मध्य प्रदेश का दमोह ग्रीन जोन में बना हुआ है और यहां पर व्यापारी अब व्यापार करने की अनुमति चाह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब पूरे दमोह का ही लॉकडाउन को समाप्त कर दिया जाए। लॉकडाउन को समाप्त करने के बाद वह व्यापार कर पाएंगे, उनके व्यापार यहां पर प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा कहना है व्यापारियों का और भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं का। यानी दो नेताओं के नेतृत्व में यहां पर जो कलेक्टर हैं तरुण कुमार राठी के पास में व्यापारियों के दो संगठन पहुंचे हुए थे। पहले पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष, फिर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जो कि वर्तमान में जो सांसद हैं उनके सांसद प्रतिनिधि भी हैं, उनके साथ व्यापारियों का एक दल पहुंचा। दूसरे दल में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष देवनारायण श्रीवास्तव तथा भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं समाजसेवी सिद्धार्थ मलैया भी पहुंचे। दोनों ने अपने अपने तरीके से कलेक्टर तरुण कुमार राठी के समक्ष यह पक्ष रखा कि भारत अब लॉकडाउन में व्यापारियों को छूट देना आवश्यक हो रही है, व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। परंतु इस समय चर्चाओं का बाजार जो इस समय गर्म बना हुआ है वह यह था कि एक ही समस्या और वह भी एक ही वर्ग की, नेतृत्व करने वाले एक ही दल के नेता और दो अलग अलग समय में पहुंचे, सोशल डिस्टेंस का कितना पालन हुआ सबके सामने है। चर्चाओं का बाजार इस समय इस बात को लेकर काफी गर्म बना हुआ है कि आखिर यह बात एक मंच पर एक साथ भी हो सकती थी। मामला क्या है सबको जानकारी है, पर अंदर की बात वह नेता जाने, परंतु जनता में जो चर्चा होती है वह तो चर्चा ही है। खैर, ग्रीन जोन में बने हुए दमोह में व्यापार करने की छूट मिले इस बात को लेकर व्यापारियों ने अपना पक्ष दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी के समक्ष रखा। हमने तो बाजार खोलने की कोशिश की थी, जो हमने स्टेशनरी की दुकान वो खोली अगर की थी, लेकिन उसका फायदा ये हो जाएगा कि ग्राहक आएगा तो वो एक ही बार में सब चीज लेके आ चला जाएगा। फिर ये नहीं रहेगा कि कल हमें किराना लेना था, क्या सूट लेने थे, कब कपड़े लेने थे, आज हमें प्लाई का कुछ काम लेना था या घर का कुछ प्रॉपर्टी लेनी थी, आइए अब हम आपको सुनवाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवनारायण व्यापारी बंधुओं के साथ। आज जिला अध्यक्ष महोदय के साथ हमारी एक बैठक आयोजित की गई जिसमें व्यापारियों ने अपनी बात उनके सामने बहुत खुलकर रखी और कुछ सुझाव उन्होंने मांगे जो हमारे व्यापारियों ने दिए। मुख्य रूप से हमारे व्यापारियों का यह कहना था कि जो मार्केट खोलने का समय है वो दोपहर 12 से 5 अगर किया जाए तो उचित होगा, और उसमें एक और सुझाव है कि अगर
प्रशासन के द्वारा मार्केट खोलने की अनुमति दी जाती है, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रश्न आएगा कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का जो विषय होगा वो जवाबदारी स्वयं दुकानदार की होगी। तो इस बात को लेकर लगभग हमारे सभी दुकानदारों ने इसकी बात की सहमति दी है कि अगर प्रशासन ऐसा निर्णय लेता है तो वो इस जवाबदारी को स्वीकारते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुए, केवल आज ये सुझाव मांगे गए थे व्यापारियों के कि किस तरीके से हम लॉकडाउन को खोल के और लोगों की थोड़ी जो मुसीबत है उनको किस तरीके से दूर की जा सके, क्योंकि 40 दिन का समय हो गया है। निश्चित तौर पर हम ग्रीन जोन में हैं और आगे भी हम ग्रीन जोन में रहें और हमारे व्यापारी बंधुओं का व्यापार भी चले, लोगों की रोजी रोटी भी चले, इन सारी बातों को लेकर आज ये सुझाव जिलाधीश महोदय के सामने रखे हैं। परसों या कल क्राइसिस मैनेजमेंट में जो बैठक होगी उसमें निर्णय जो भी जिला प्रशासन देगा उसका पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के अपने सुझाव दे सके और उन्होंने समाज से भी सिद्धार्थ मलैया से भी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है उसके सारे लोगों से उन्होंने सुझाव लिए। ये फिर से मैं रेखांकित करना चाहता हूँ, ये सिर्फ सुझाव लिए हैं उन्होंने, उसके अंदर जो मूल बातें कुछ सामने आई हैं वो ये है कि जो सभी मानने लग मान सभी ने उस बात पर स्वीकृति दी कि कोरोना के साथ हमको रहना पड़ेगा। दमों में अभी कोरोना नहीं है पर यह तय है कि आने वाले समय में यहाँ कोरोना आएगा ही। हमको कोरोना के साथ लड़ते हुए सामान्य रूप से जीवन जीना होगा, एहतियात बरतते हुए प्राथमिक तौर से। ये आज के समय में मैं आज के दिन ये बड़ी बात मानता हूँ कि सारे जितने अलग अलग व्यापार के लोग आए थे और सभी ने ये बात को माना कि जब दिल्ली ऐसे शहर के अंदर कोरोना के रेड जोन में होते हुए उन्होंने शहर खोला है, कुछ कुछ खोला है, वैसा ही हमको अपनी कुछ पद्धति तय करनी चाहिए दमों में, और उसके लिए उन आने वाले समय में वो कुछ नीतियां तय करेंगे। पर यह हम मान के चलें कि कोरोना हमारे यहाँ आएगा ही, हम कोरोना से संक्रमित होंगे, उसके लिए अच्छे से अच्छा हम बचाव कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें और उसके बाद भी अपना सामान्य रूप से जीवन यापन कर सकें, व्यापार चला सकें। मध्यम वर्गीय परिवार जो कि किसी के यहाँ जाता नहीं है मांगने या मांगने जाने में उसको बड़ी शर्म आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कठिनाई से अभी जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए मार्केट खोलने की बात की थी। उन्होंने हमारे सुझाव लिए हैं, आने वाले समय में वो एक कोर ग्रुप की बैठक करेंगे जिसमें अध्यक्ष जी भी जाएंगे और उसके बाद वो नीतिगत निर्णय लेंगे कि दमों उन्होंने खोलना है, कब से खोलना है और कितना कितना खोलना है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष तथा दमों के सांसद के प्रतिनिधि डॉक्टर आलोक गोस्वामी से भी हमने चर्चा की। हम भी उस बैठक में उपस्थित थे। व्यापारी बंधुओं की मांग थी कि दमों ग्रीन होने के बावजूद भी हम सब व्यापारी अभी व्यवसाय चलाने की रोक है। इन सभी बातों को लेकर व्यापारियों से एक विस्तृत चर्चा हुई। सभी व्यापारियों ने शासन प्रशासन का सहयोग कर व्यापार चलाने हेतु आग्रह करने हेतु कलेक्टर महोदय से समय लेकर आज यहाँ SP महोदय भी थे। शासन प्रशासन के बीच सभी ने अपनी बात रखी। अधिकांश बातों पर गंभीरता से विचार किया गया। आपदा प्रबंध समिति की बैठक कल या परसों में माननीय कलेक्टर महोदय रखेंगे। जी भैया, कलेक्टर के साथ बैठक थी, क्या मांगे थी आपकी, किस बात को लेकर बैठक हुई थी? हमारे देश में जब से कोरोना आया है 21 तारीख से लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 40 से 45 दिन हो गए हैं। इस बीच में स्थिति ये बनी हुई है कि हमारा दमोह जो है ग्रीन जोन में आ रहा है, एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया है और हमारे जो व्यापारी हैं उसमें से 30-40% व्यापारी ऐसे हैं जो किराए की दुकान लिए हुए हैं और किराए के मकान लिए हुए हैं, तो उनकी स्थिति अब डगमगा गई है। उनके पास जो कैश था वो पैसा भी खर्च हो चुका है, तो हम चाह रहे हैं कि पूरा मार्केट खोला जाए, भले एक लिमिटेड समय के लिए जिसमें शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन की जो सहमति हो उस अनुसार खोला जाए, लेकिन पर डे पूरी दुकानें एक साथ खोली जाएँ। यदि पार्ट बाई पार्ट भी दुकानें खोली जाती हैं तो भी भीड़ कम नहीं होती, क्योंकि जो आजू बाजू वाले क्षेत्र से खरीदारी करने हुए हमारे ग्राहक आते हैंगे उनको किराना भी लेना रहता है, कपड़े भी लेना रहता है, शूज़ भी लेना रहता है और इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी लेना रहता है। यदि अलग अलग दिन खोलेंगे तो भी उतनी भीड़ होगी और एक साथ खोलेंगे तो भी उतनी ही भीड़ होनी है, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि एक दिन में यदि कोई ग्राहक आता है तो पूरी अपनी खरीदारी करके एक हफ्ते के लिए फुर्सत हो जाएगा। हमने माननीय कलेक्टर साहब जी से निवेदन किया है कि पूरा मार्केट एक साथ खोला जाए,
भले सॉफ्ट एक्ट का जो नियम है एक दिन बंद करने का, तो एक की दिन एक दिन की जगह दो दिन बंद कर लें और पूरा मार्केट, जनता पार्टी के पूरा मार्केट एक साथ खोला जाए, शासन प्रशासन को जो सहूलियत हो टाइमिंग वो अपने हिसाब से निर्धारित करे। क्या कहना है कलेक्टर साहब? उनके साथ का ये कहना है कि सभी व्यापारियों के हमने सुझाव सुन लिए हैं, हार्डवेयर से भी, फ्लाई वगैरह से भी, किराना से, इलेक्ट्रॉनिक से, मिठाई जगह से, इलेक्ट्रीशियन से, मोबाइल से, कपड़ा रेडीमेड से, कपड़ा के सबके विचार उन्होंने सुने हैं। और उन्होंने कहा है कि कल या परसों में जनप्रतिनिधि हैं हमारे जिले के, उनसे बैठक करके और जो कमेटी शासन द्वारा बनाई गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसके बैठक करने के उपरांत वो बताएंगे कि कैसा बाजार गर्म है। और इस बात को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं कि दो अलग अलग समय में भारतीय जनता पार्टी के दो नेता क्यों पहुंचे एक ही समस्या को लेकर। तो इन समाचारों के लिए देखते रहिए LNB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।